हेलो डियर स्टूडेंट, हमने काइनेमेटिक्स चैप्टर स्टार्ट किया है। जिस तरह हमने इसमें दो तीन टॉपिक डिस्कस किए हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास था काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स, फिर उसके बाद हमने रिस्क और मोशन को डिस्कस किया। फिर वहाँ पर हमारे पास लास्ट में मैंने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि रिस्क एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, तो वो मैं थोड़ा सा और भी डिस्कस करूँ, लेकिन इस टॉपिक के बाद फिर मैं डिस्कस करूँगा कि रिस्क एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, वो क्यों है एक तरह से रिलेटिव टर्म्स। यहाँ पर आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है पोजीशन। अब पोजीशन क्या है? पोजीशन को नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर अब इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स इसको एक्सप्लेन करते हैं कि पोजीशन असल में हमारे पास क्या है। जिस तरह हम एक्सप्लेन करते हैं कि किसी बंदे का लोकेशन क्या है, एक तरह से हमारे मोबाइल फ़ोन में भी जो GPS सिस्टम है वहाँ पर हम ट्रैकिंग कर सकते हैं किसी बंदे को, फ़ोन कॉल से वो उनको ट्रैक किया जाता है, या किसी तरीके से गूगल मैप के जरिए से हम किसी बंदे को ट्रैक करते हैं। असल में उनकी पोजीशन को हम मालूम करते हैं कि वो इस टाइम किस जगह पर है, किस लोकेशन पे है, कि फाइंड द पोजीशन ऑफ दैट पर्सन। सो वो असल में वहां पर हम उसकी लोकेशन को फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि हम अब अर्थ पर वो बंदा जिसको हम ढूंढने की कोशिश करें वो किस मुकाम पर है, किस जगह पर है। इवन अगर मैं कहता हूँ कि एक स्टूडेंट है और उसके पास कुछ कीज हैं, ठीक है, और वो स्कूल आया हुआ है और स्कूल में आके और उसके उससे कोई पूछता है कि आपकी कबर्ट की कीज किधर है, या वो कीज किधर रखे है आपने। सो वो क्या करेगा? वो उनको बताएगा कि पहले तो उनको पता है कि वो घर में है, लेकिन उसको फिर एग्जैक्ट पोजीशन बताएगा, एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा, एग्जैक्ट जगह बताएगा कि वो किधर में रखी है। सो वो असल में उसकी की जो एक्चुअल पोजीशन है, वो बंदा वो स्टूडेंट को बताएगा कि वो मैंने घर में रूम में एक तरह से कबर्ट में रखी है या क्लोजेट में रखी है। सो वो असल में अब ये उनको एक तरह से उनकी उसकी की जो पोजीशन है, लोकेशन है, वो बता रहे हैं। एग्जैक्ट पोजीशन तो वो जो लोकेशन है वो तो घर है, लेकिन अब घर में वो किधर है? एक रूम में है, रूम में फिर एक क्लोजेट है उसके अंदर है। सो मतलब वो एक तरह से उसको उनकी इसका जो पोजीशन है वो बता रहा था। इवनली हम मोबाइल फोन में भी यूज करते हैं ये जो नेविगेशन सिस्टम है, या फिर जो GPS सिस्टम है, या गूगल मैप वगैरह के थ्रू हम उससे हम लोकेशन या पोजिशन को फाइंड आउट करते हैं। तो भी जरा पोजिशन को डिफाइन करके, पोजिशन असल में है क्या? तो यहाँ पर अगर मैं पोजिशन को डिफाइन कर लूँ, सो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि पोजिशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सम रेफरेंस। यहाँ पर अगर हम देख लें तो हम कह सकते हैं कि पोजिशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजिशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सम रेफरेंस, रिलेटिव टू सम रेफरेंस, रिलेटिव टू सम रेफरेंस, या बाज दफा हम कह सकते हैं रिलेटिव टू सम रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पर असल में क्या है कि पोजीशन हमारे पास, दिस इज द पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो लोकेशन है। अब वो लोकेशन जाहिर बात है हम यहाँ पर डिस्कस करें रिलेटिव टू सम रेफरेंस। अब रेफरेंस के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। रेफरेंस मीन यहाँ पर अगर हम अपने अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट का लोकेशन फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम अर्थ को एज अ रेफरेंस लेते हैं कि अर्थ पर वो ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को हम एक तरह से लोकेट करने की कोशिश करते हैं, तो याद रखिए हम अर्थ को एज अ रेफरेंस लेते हैं। यहाँ पर अर्थ इज टेकन एज अ रेफरेंस, अर्थ इज टेकन एज अ रेफरेंस। यहां पर अर्थ को एज अ रेफरेंस हम ले रहे हैं, अर्थ को हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे। सो यहां पर हमने जिस तरह डिफिनेशन में कहा कि पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू सम रेफरेंस, अब यहां पर जिस तरह मैंने कहा कि अर्थ को हम एज अ रेफरेंस लेते हैं कि वो इस टाइम किधर है, तो यहां पर अगर मैं एक पॉइंट को डिफाइन करना चाहूँ कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल दिस इज द पॉइंट ए, दिस वन इज द पॉइंट बी, दिस वन इज द पॉइंट सी। अब यहां पर ये जाहिर बात है मैं अर्थ पर किसी लोकेशन पर, ये फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द अर्थ, ये एक तरह से अर्थ के थ्रू मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि ये हमारे पास अर्थ पर डिफरेंट पोजिशन को मैंने यहाँ पर लोकेट की है। अब ये देखिए हम अर्थ पर इसको एक तरह से फाइंड आउट कर या लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हर को हम एज अ रेफरेंस लेते हैं, तो दिस वन इज द पोजिशन नंबर वन, दिस वन इज द पोजिशन नंबर टू, दिस वन इज द पोजिशन नंबर थ्री। तो हम एक तरह से अर्थ को एज अ रेफरेंस लेके इन पॉइंट को लोकेट करते, इन पोजिशन को हम लोकेट करते कि ये पोजिशन ए, दिस वन इज द पोजिशन टू, दिस वन इज द पोजिशन
एक तरह से, तो हम एज अ रेफरेंस मीन अर्थ की नस्बत से हम इन पोजिशन को एक्सप्लेन करते हैं। हम तो एक तरह से अर्थ को हम एज अ रेफरेंस लेते हैं कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन को डिफाइन करते हैं तो जाहिर बात हम अर्थ को डिफाइन करते हैं उसकी पोजिशन को। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पर अर्थ हमारे पास एक तरह से रेफरेंस है। यहाँ पर एक तो हमने कहा कि ये पोजिशन को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम बाज द फॉर्म यहाँ पर अर्थ को हमने एज अ रेफरेंस लिया हुआ है। अब बाज द फॉर्म हम बाज ऑब्जेक्ट की पोजिशन को डिफाइन करते हैं लेकिन अर्थ पर उनको किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं। अब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक क्लासरूम में एक टीचर है, वहाँ पर वो अब एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ उस क्लासरूम में उस टीचर की पोजिशन को मैं डिफाइन करूँगा। कि फॉर एग्जाम्पल हम क्लासरूम में एक टीचर है, वो मुख पर है, वो ब्लैक बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड के रेफरेंस के थ्रू, मतलब ये ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड एक तरह से एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है। अब एक स्टूडेंट टीचर की पोजीशन को फाइंड आउट करेगा कि ये टीचर की पोजीशन को फाइंड आउट करेगा कि ये अब वो टीचर क्लासरूम में टीचिंग बोर्ड या व्हाइट बोर्ड से कितने फासले पे हैं। तो मतलब क्लासरूम में भी हम उस टीचर की पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द दिस वन बोर्ड वो राइट साइड पे है, वो टीचिंग बोर्ड के लेफ्ट साइड पर है। मतलब क्लासरूम में वो बच्चा वो स्टूडेंट एक तरह से टीचर की पोजीशन को फाइंड आउट करेगा, एक तरह से लोकेट करेगा कि वो एक तरह से किस पोजीशन पर है टीचिंग बोर्ड। मतलब इसको हम एक तरह से अर्थ पर तो है लेकिन अर्थ के साथ हम उस बोर्ड को एज अ रेफरेंस जो कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेट करते हैं, जो दूसरे ऑब्जेक्ट की पोजिशन को हम फाइंड आउट करते हैं। तो हम इस बोर्ड को एक तरह से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं और फिर वो स्टूडेंट इस स्टेशनरी ऑब्जेक्ट की नस्बत से उस टीचर की पोजीशन को फाइंड आउट करता है कि ये जो इस वक्त उस टीचर की जो पोजीशन है वो टीचिंग बोर्ड से कितने फासले पे है, वो टीचिंग बोर्ड से ज्यादा फासले पे है, वो टीचिंग बोर्ड से राइट साइड पर है, वो टीचिंग बोर्ड से लेफ्ट साइड पर है। मतलब टीचिंग बोर्ड की मतलब इसको एज अ रेफरेंस लेके एज अ जो कि एक तरह से स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, ये एक तरह से स्टेशनरी है मीन रेस्ट पे है और इसके थ्रू वो उस टीचिंग बोर्ड के नस्बत से उस टीचर की पोजीशन को लोकेट करते कि वो किस पोजीशन पे है। तो ये एक तरह से हम क्लासरूम में भी लोकेशन को मीन पोजीशन को लोकेट कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट या टीचर के लिए। इवन हमारे पास यहाँ पर अर्थ को हम एज अ रेफरेंस ले रहे हैं क्योंकि एक तरह से हम कह सकते हैं स्टेशनरी है। बस हम ऐसे रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं जो कि मूवेबल हो, मतलब स्टेशनरी ना हो, ऐसे रेफरेंस भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हमारे पास एक एरोप्लेन है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एरोप्लेन है एक तरह से, यहाँ पर मैं अब एरोप्लेन में एक तरह से यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक पैसेंजर की पोजीशन को लोकेट करूंगा। यहाँ पर एक पैसेंजर है, यहाँ पर एक पैसेंजर बैठा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बंदा है जो कि इस पॉइंट पर है, यहाँ पर ये एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है। सो अब ये देखें यहाँ पर ये जो बंदी है ये बंदा इस पर पैसेंजर की लोकेशन को पोजीशन को डिफाइन करेगा लेकिन यहाँ पर हम एरोप्लेन को एज अ रेफरेंस लेंगे। अब एरोप्लेन को एज अ रेफरेंस लेंगे लेकिन यहाँ पर अब जो रेफरेंस हम यूज करें वो एक तरह से मूविंग है, मतलब मूवेबल है। रेफरेंस इज मूविंग, यहाँ पर ये रेफरेंस जो कि हम ले रहे हैं वो मूवेबल है, मतलब ये एरोप्लेन तो मूव कर रहा है। यहाँ पर अब ये चूंकि यहाँ पर देखिए दिस वन इज द अर्थ, अब ये अर्थ से कुछ फासले पे है, मतलब कुछ हाइट पर ये एरोप्लेन मूव कर रहा है। सो यहाँ पर अगर देखिए यहाँ पर इस बंदे की नस्बत से मैं इसकी पोजीशन को डिफाइन करूँ कि ये इस बंदे से कितने फासले पे है, तो हम यहाँ पर रेफरेंस को एरोप्लेन लेंगे। रेफरेंस हमारे पास क्या है, एरोप्लेन है। तो यहाँ पर जरूरी कि हमारे पास जो रेफरेंस है वो रेस्ट पे हो, बस हमारे पास रेफरेंस ऐसी भी पॉसिबल है जो कि मूवेबल हो, इस तरह एरोप्लेन की रेफरेंस को एरोप्लेन का हम एज अ रेफरेंस लेते हैं जो कि मूवेबल हो। जरूरी कि हमारे पास अर्थ को हम एज अ रेफरेंस लेते हैं इसके अलावा नहीं, हम यहाँ पर एरोप्लेन को एज अ रेफरेंस लेते हैं। अब एरोप्लेन में मौजूद इस बंदी की पोजीशन को हम लोकेट करते हैं कि ये इस पैसेंजर के कितने फासले पे हैं या यहाँ पर इस पैसेंजर से कितने फासले पे हैं। सो ये है हमारे पास रेफरेंसेस। यहाँ इसके अलावा हम रेफरेंस को मैथमेटिक्स में भी डिफाइन कर सकते लेकिन वहाँ पर हम इसके लिए पोजीशन को जो हमारे पास क्या है पोजीशन के लिए हम मैथमेटिक्स में एक इक्वेशन का भी इस्तेमाल भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास है एक्स आई प्लस वाई आई, हम बाद में उसको डिस्कस करेंगे ग्राफिकली इसको डिराइव भी करेंगे।